कल स्टेट बैंक ने एक सरप्राइज मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट की और उसमें 200 बेसिस पॉइंट कट करके 9% पे इंटरेस्ट रेट को ले आए हैं। पॉलिसी रेट जो पिछले एक महीने में 400 बेसिस पॉइंट से नीचे आ चुका है। मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और आज स्टॉक मार्केट ने उसका बड़ा पॉजिटिव लिया। क्या वजह थी कि ये सेंट्रल बैंक ने ये पॉलिसी का मैयर लिया? अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, एक वजह यह थी। इन्फ्लेशन अब आगे साल की एक्सपेक्टेड जो इस वक्त है 7 से 9% की है, तो रियल इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो पे ले आए हैं। क्या वजह थी कि रियल इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आए हैं? एक तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन प्रेशर कोई नहीं है, कोविड के बाद डिमांड तो आ ही नहीं रही, और अगर कहा जाए कि आपकी कोई डिमांड आ पाएगी तो ये मुमकिन ही नहीं है। इस तरह है कि पेशेंट जो है वो लेटा हुआ है, आप उसको तकलीफ हो रही है, ये पेन किलर का इंजेक्शन दिया है, इससे उसकी तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन वो उठ के दौड़ना नहीं शुरू करेगा, तो इकोनॉमी में कोई से रिकवरी आएगी नहीं। लेकिन लिक्विडिटी का प्रॉब्लम और कंपनीज की जो लेवरेज है उनकी पेमेंट का प्रॉब्लम और गवर्नमेंट का जो डेट है उसको फिस्कल स्पेस मिलेगी। बट ये बातें पहले थी तो स्टेटमेंट ने कल ये फैसला क्या किया। हमारा असल मसला जो था वो एक्सटर्नल अकाउंट वल्नरेबिलिटी का था। करंट अकाउंट जो है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस के दरमियान का फर्क है, वो तकरीबन मार्जिन पॉजिटिव है। प्रॉब्लम डेट रीपेमेंट था जो फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट में होता है। कल परसों एक G20 का फैसला आया जिसमें उन्होंने अपनी जारी डेट प्रीपेमेंट जो है 2020 जून तक की फ्रीज कर दी। इसके अलावा IMF की 1.4 बिलियन की सपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक ADB का तकरीबन 700 मिलियन डॉलर का अगले कुछ महीने में आ जाएगा। तो इस सारी की वजह से फाइनेंशियल अकाउंट स्टेबिलिटी नजर आई और स्टेटमेंट ने ठक करके 2% और गिरा दिया। उसके बाद हमने करेंसी को देखा, करेंसी चूंकि वो गिरनी चाहिए थी लेकिन गिरी नहीं, वापस आ गई और 167 से 163-164 पे आ गई। अब हमें यह लगता है कि करेंसी 155-160 के दरमियान आ जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंट में स्टेबिलिटी होगी और थोड़ी सी जो है लोगों की तकलीफ कम होगी। लेकिन क्या इकोनॉमिक स्टिमुलस आएगा, क्या ग्रोथ आएगी? नहीं। थैंक यू।